45 लेकर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का आज कहा गया था। जी मैडम। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम अजरा मसूद है और मैंने 54 से एपीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। मेरा हल्का वाकेंट और टैक्सला है। मुझे लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। वैसे तो मेरे बेटा था सियासत में, मलिक तैमूर साहब का मिनिस्टर थे, लेकिन हालात के जबर ने जब उन्हें नई इलेक्शन लड़ने दिया, जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा था, तो फिर मैं उनकी माँ मैदान में आई। हमने अपना हल्का खाली नहीं छोड़ा। तो लोगों ने टैक्सला के लोगों ने बहुत ही मोहब्बत की और उन्होंने बेतहाशा हमें वोट डाले। मेरा जो जब रिजल्ट कंप्लीट हुआ तो मेरा 1,03,000 समथिंग वोट था और मेरे जो मद मुकाबले जिस आजाद उम्मीदवार जिसको जितवाया गया था उसके 46,000 थे कुल वोट। मैडम इसको अब आप आगे पे क्या इस्तेला है, अमल है, ये किस तरह देख रहे हैं? जी जी हम इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं, हम कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे अपनी अदालतों से उम्मीद है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे तबाह हो जाते हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट लेकर मैं आई हूँ, एक माँ हूँ, कदम गुलामी के लिए माजरत। इतनी ज्यादा तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे उम्मीदवार हैं, नेशनल असम्बली के भी और सूबाई असम्बलियों के भी, यहाँ पे जो फॉर्म 45 उठाए घूमते हमें नजर आ रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे आप इंसाफ होता देख रही है? होना तो चाहिए, ये एक इस्लामी मुल्क है। मैं वही कहती हूँ कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे तबाह हो जाते हैं। हमारे मुल्क के हालात बहुत बगरबू हैं, अच्छे हालात नहीं है। हम चाहते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, जो इमरान खान कहते हैं। तो अगर तो इंसाफ मिला तो इंशाल्लाह 100% हम जीते हुए हैं। और मैं तोका रखती हूँ अपनी अदालतों से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इंसाफ देंगे और हमारी सीटें हमें वापस करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NA54 से नेशनल असम्बली की नशिस्त से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और वाज़ अक्सरियत से जीती हैं, उनका क्या कहना था आपने सुना? जी